अकबर होते एकदम मनापासून स्वागत। यासीन भाई ठाकुर अकबर होते मनापासून स्वागत है। तहे दिल के साथ स्वागत है आपका। कमेंट्री बॉक्स में आना है। दोपहर का सत्र है। दोपहर के सत्र के अंदर फिर से एक बार पैटा माचा हो रहा है। यदि की धूप खिला पाके एक दूसरे के साथ झगड़े बने है, डंडे बने है। सभी फाइटर्स ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के शब्द के बल्कि अंदर फील्डिंग का फैसला। फिर से एक बार मैच की तरफ लौटे है स्ट्राइकर बल्लेबाज अशफाक है तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मुजफ्फर दिनबादी क्रिकेट बाज रफीक आ रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर के ओवर खेला था। इस बार एक रन मिलने वाला है। एक रन के शब्द के लगातार रन संख्या खुद बड़ी है। एक रन के शब्द के मैदान के अंदर अशफाक खाता खुद अपने टीम का। शामी फाइटर्स ने देखे मैदान के अंदर टॉस जीता है और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला है। स्ट्राइकर पर रहेगी तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अशफाक गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से मैदान के अंदर रफ्तार का सौदा कर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। दस बारह कदमों के साथ गेंदबाजी करने वाले है। आज अगर फील्डिंग की बात की जाए तो मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। मिड विकेट मिड ऑन अच्छी फील्ड सजा करके थर्ड मैन फाइनली का अच्छी फील्ड सजा करके देखे फील्ड लगातार सेटअप हो रही है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी रफिक गेंदबाजी कर लगातार फील्डिंग में तब्दीली होती पड़ी है। देखिए मैदान के अंदर आज का ऐतिहासिक वाला दिन हम देख रहे हैं। ग्रैंड फिनाले का दिन देखने वाले है। शाम के सत्र के अंदर किसकी आज की शाम किसके नाम ये बड़ा सवाल रहने वाला है। देखिए शाम के सत्र के अंदर शाम की चाय और बड़ों की राय लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक समय अनुसार पर लेंगे तो बैठन के अंदर आपके साथ एक अच्छा चर्चा होने वाली है। राइट ओवर द विकेट रफिक गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ट्रिपल अच्छी चेष्टा उद्वस्त होता है। क्लीन बॉल बल्लेबाज कमोन डीजे के अंदर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रफीक गेंदबाजी के पूरी तरह से रोक के रखा देखे बल्लेबाजों को। इस बार क्या कमाल की गेंद लाइन और टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अब उनकी जगह सामने अग्नि बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो रही है। अर्शद आ रही है उनकी जगह सामने। देखिए इंडिया के टीम के अंदर एक विकेट गिरने के बाद अग्नि बल्लेबाज विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली की जगह पर अब बल्लेबाजी के लिए अर्शद आए हैं। देखने वाली बात कैसी गेंद बल्लेबाजी करती है। देखिए मैदान के अंदर एक सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। पार्टनरशिप को पनपनी पड़ेगी तब जाकर एक सम्मानजनक टारगेट आप सेट कर सकते हैं। देखने वाली बात है। देखिए बल्लेबाजी एक सूझबूझ से करनी होगी, प्लानिंग से बल्लेबाजी करनी होगी तब जाकर मैदान के अंदर एक सम्मानजनक टारगेट रख सकते हैं। अगर शिरवा फाइटर्स की बात की जाए तो मैदान के अंदर रफीक जैसा बल्लेबाज विवेक जैसा बल्लेबाज मैदान के अंदर खड़े हैं। जब तक ये खड़े हैं न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा होने वाला है। देखिए अशफाक नॉन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइकर बल्लेबाज अर्शद को दिख रहे हैं तो गेंदबाजी मार्ग पर रफ पार का सौदागर रफीक गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट डमरा विकेट बड्डे बॉय गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद अच्छा शॉट खेला है। विवेक मौजूद है। इस बार एक रन मिलने वाला है। देखिए रन आउट का चांस हो सकता है। इस बार देखने वाली बात डायरेक्ट हिट किया है। अंपायर के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बढ़ने वाला है। मौका हो सकता था इस बार एक बड़ी विकेट बड़ी मस्ती जान में फंस सकती थी। अशफाक जैसा बल्लेबाज डगआउट की तरफ लौट सकता था लेकिन इस बार देखिए पूरी तरह से जान झोंकी है अशफाक ने अपने रनिंग में। चलते ही फिर से एक बार राइट बराबर विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज शिकने गेंदबाज रफीक। इस बार उड़ाया गेंद को, गेंद आ रहा है तारा मंडल की तरफ। फील्डर मौजूद है, विकेट मिल सकता है लेकिन इस बार तारा मंडल की तरफ अर्शद बैट पवेलियन दूसरे विकेट का बदलने वाला है। कमोन डीजे
अर्षद ची कैच घेतल्यामुळे त्याला 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे रशीद ठाकूर यांच्याकडून सुटे बघा ते घे पण घे पैसे हे बघा मोजम ठाकूरला 500 रुपये प्रत्येक सिक्सला मोजम ठाकूर यांनी जर जेवढे षटकार मारतील त्या प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक यासीन ठाकूर यांच्याकडून पुरे असतो हॅलो हां कसले बघतो बघतो मी आता खाली बघतो बघून बघतो बघतो तुम्ही काय ना सर होईल होईल जमा हो काय चलते हैं प्रसिद्ध मैच के लिए रफी गेंदबाजी कर रहे हैं राइट और द विकेट पेंडी पर प्रगति पर चट रही स्ट्राइक पर बल्लेबाज अशफाक इस बार उड़ाना चाहते थे गेंद देखते देखे फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद इस बार ट्रैवल होने वाली चौके की तरफ गेंद निकल रही है सी मारे का की तरफ अंपायर का इशारा ना बाकी है अंपायर का इशारा नो बॉल देखिए मैदान के अंदर चर्चा होने वाली है अंपायर का इशारा आ रहा है देखिए फिर से एक बार मैदान के अंदर चर्चा बनी तो फिर के सत्र के अंदर ये पंचा मुकाबला चल रहा है अंपायर धावा संगत पंच धावा की दी पंच धावा तीन धावा चार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखिए रफी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने को डिसिप्लिन टीम के ओर से जीवन लेकर आ रहे हैं प्रभावी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं रन संख्या देखिए फ्री ट्रेन बना के स्ट्राइक पर बल्लेबाज फ्री हिट का मौका है फ्री हिट के ऊपर कितना मौका होता है इस बार के धावा में है गेंद के नीचे फील्डर आने वाले है गेंद निकल रही थर्ड बैक की ओर चार रनों के लिए गेंद निकल रही है मिलेंगे चार तो बेटा होगा पार एक एक रन बनने वाला है सर्कल के अंदर गेंद रुकने वाला है एक रन के सद्य के रन से बनने बोली है रन से क्या कुल मिलाकर जा पहुंचे हैं 10 रनों पर रन से क्या जा पहुंचे हैं एक रन के खत्म के बाद के स्ट्राइकर में बल्लेबाज अशफाक ही थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मौसम बल्लेबाजी करे दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे दोपहर के सत्र के अंदर धूप खिलाफ मांग है मैदान के अंदर साथी कॉमेंटेटर जुड़े हुए है अब अगला आवाज उनका सुनते है धन्यवाद सोहेल मैं आपको फिर एक बार दूसरे ओवर के लिए मैदान की ओर ले चलता हूं गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं उस्मान नाकाड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार जबकि स्ट्राइक एंड पर है मोहज्जम और नॉन स्ट्राइक एंड पर अशफाक ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त मैदान की ओर कोकन बैटिंग करते हैं ना कोकन हार्डवेयर की तरफ से ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं उस्मान गेंदबाजी करने के लिए तैयार क्षेत्ररक्षण लगाया जा रहा है यष्टिरक्षक के अलावा एक थर्ड मैन पॉइंट है एक एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग बॉल लॉन्ग ऑफ इस तरह से क्षेत्ररक्षण लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए तैयार है उस्मान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दूसरी ओवर की पहली गेंद और उनका सामना करेंगे मोहज्जम जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है अशफाक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट डालना शुरू किया और इस गेंद को रिवर्सिप करना चाहते थे गेंद बल्ले पर नहीं आई बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद चली गई थी सीधी यष्टिरक्षक के दस्तानों में बगैर किसी रन के
इस गेंद के ऊपर कोई भी रन नहीं। असगरनी और मेटे प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया गया है आज का दूसरा और आखिरी दिन, इस समय जो मुकाबला चल रहा है प्रीमियर लीग का आनंद उठाते हुए, जबकि गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग रन सिफारिश की तरफ, वहां क्षेत्ररक्षक खड़े हैं, एक टप्पे में उस गेंद को गैदर किया, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ दो रन भाग कर पूरे कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। दो रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंच 12 पर एक विकेट के नुकसान पर, सॉरी दो विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 12 रन। फिलहाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था कोकन हार्डवेयर के टीम के कप्तान ने, फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, दौड़ना शुरू किया है उस्मान, और फिर एक बार काफी अच्छी गिनती, गेंद देखना है उनके कहां लगी है, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते यष्टि रक्षक आके, एक रन तो दोनों बल्लेबाज भाग कर पूरा कर चुके हैं, अंपायर का इशारा तो कोई नहीं, फिलहाल ये गेंद उनके निश्चित रूप से बल्ले से लगी है, एक रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 13 पर दो विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है उस्मान, जबकि इस मैच का आनंद वहां मैदान में आकर जो क्षेत्र नहीं उठा सकते उनको यूट्यूब के माध्यम से भी वो आप मैच सुन सकते हैं। टीम का स्कोर है 13 रन 13 अशफाक यानी जेवढे षटकार मारतील त्या प्रत्येक षटकारासाठी मोहम्मद अली यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक ठेवलं गेलेलं आहे। त्याचप्रमाणे मोहम्मद साठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक यासीन ठाकूर यांच्याकडून। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, मैदान में आकर इजाज केरेटकर यांच्याकडून आता जी विकेट मिळाले त्यासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक आलेला आहे उस्मान नाकाडे यांच्यासाठी। रघू गाडे यांच्याकडून 100 रुपयाचे पारितोषिक आलेला आहे। नजामुल साठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक, तजामुल साठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक। सलाउद्दीन धामस्कर यांच्याकडून जाहीर झालेला आहे प्रत्येक षटकारासाठी। फिर एक बार मैं आपको मैदान की ओर ले चलता हूं। फिलहाल जो मुकाबला चल रहा है कोकन हार्डवेयर वर्सेस शावी फाइटर्स, इनके बीच मुकाबला चल रहा है। कोकन हार्डवेयर की तरफ से बल्लेबाजी हो रहा है और यह गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। कोकन हार्डवेयर टीम के जो मालिक है वो हिदायत ठाकुर, जबकि श्रावी वॉरियर्स के सोपान मोहिते ये संघ मालक है, मैं उनका खुले दिल से स्वागत करता हूं। फिलहाल मुकाबले की ओर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है तीसरा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं विवेक मोहिते, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है जबकि बल्लेबाजी का भार संभाले हुए है मोहज्जम ठाकुर और तजामुल, ये कोकन
हार्डवेयर की तरफ से बल्लेबाजी का भार संभाले हुए है। फिलहाल टीम का स्कोर है 17 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। अहमद ठाकुर यांची या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की तुम्ही कमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन विराजमान होते। मी त्यांचं अजगणी आणि मेटे प्रीमियर लीग यांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो। या ठिकाणी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात कॅमेरामन यांना। पूरे एक बार इस ओर की अगली पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद सीधी अट्ठी रक्षक के दस्ताने में जाते हुए बगैर किसी रन के। टीम का स्कोर रुका हुआ है 17 पर जबकि निर्धारित 3 ओवरों का मुकाबला। तीसरे ओवर की पहली गेंद जबकि मिडल सम के ऊपर थी। गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। गेंद चली गई थी सीधी अट्ठी रक्षक के दस्तानों में और ये गेंद फिर एक बार ऑपोजिशन के ऊपर थी। इस गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड पर। जब तक सर्कल के अंदर ही गेंद को रोक पाते लेकिन एक रन को नहीं रोक पाएंगे। एक रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 18 पर। यानी इस ओवर की 2 गेंदें हो चुके हैं, अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। पहले इनिंग के लिए 4 गेंद खेलने होंगे और देखना है कितने रन बना पाते। फिलहाल स्ट्राइक पर है तजामुल स्ट्राइक पर। अभी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार दाहिना से बल्लेबाजी करते हुए दाहिना छोड़ने के लिए शटलिंग गेंद थी। इस गेंद को लेग साइड पर खेल दिया है। जब तक गेंद को देखना है लॉन्ग बाउंड सिफारिश की तरफ से क्षेत्र आकर दौड़ के फील करके थ्रो करते हुए एक रन का भाग कर पूरा कर चुके हैं। और जब तक थोड़ा काफी अच्छा थ्रो था लेकिन अष्टरक्षक गेंद को गैदर करने में नाकामयाब रहे थे। 2 रन भाग कर पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 20 पर। तजामोल यांना प्रत्येक षटकारासाठी मोहम्मद अली यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद और यह गेंद फिर एक बार लेग स्टंप पर। इस गेंद को उठाकर खेला है जरूर। यह गेंद जा रही है लेग साइड सिमारी की तरफ और वहां फाइन लेग पर जो क्षेत्ररक्षक करे गेंद को उठाकर थ्रो करते एक रन तो भागकर पूरा कर चुके हैं। जब तक थ्रो आया आसानी के साथ 2 रन भागकर पूरे कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 22 पर जबकि निर्धारित 3 ओवरों के मुकाबले। कोकण वॉरियर्स जिन्होंने कोकण हार्डवेयर वर्सेस शाही फाइटर इनके बीच मुकाबला चलता हुआ अजगनी मेटे प्रीमियर लीग और यह आखिरी दिन शाम में देखना है ग्रैंड फिनाले में कौन 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 सी टीमें आगे जाती है। फिलहाल इस गेंद को लेग साइड पर खेल दिया है। जब तक गेंद को फील करने में नाकामयाब। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग हो गई। गेंद जा रही है फाइन लेग सिमारिश की तरफ 4 रन के लिए। जब करेंगे और उनका सामना करेंगे कोकन हार्डवेयर की तरफ से जो बल्लेबाज दाहिना से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज अंपायर राजेंद्र चांदीवड़े इस वक्त मुख्य अंपायर की भूमिका में। और यह गेंद फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी। गेंद को खेल दिया लॉन्ग बाउंड सिफारिश की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते एक रन तक भाग कर पूरा कर चुके हैं और वहां दूसरे रन के लिए लेना चाहते थे वहां गिर गए बल्लेबाज और रन आउट होकर पवेलियन वापस। ओवर की
पॉइंट बॉल लेके आ रही है। स्ट्राइकर बल्लेबाज रफीक नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज देखे बल्लेबाज के द्वारा फकीर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार उड़ना चाहते एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद की तरफ ट्रावल होने वाली है। हर एक गेंदबाज के लिए देखिए इनाम आया है, हर एक विकेट के ऊपर 100 रुपए का इनाम। नूर जगरी की तरफ से देखिए इनाम मिलने वाला है, हर एक गेंदबाज के लिए इनाम है। अगर हर एक विकेट के ऊपर 100 रुपए का इनाम मिलने वाला है। राइट ब्राउंड ने विकेट गिनवा दी क्रिकेटबाज, उड़ाया इस बार गेंद दिखत रही है फील्डर को चीरते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। इस बार एक ओवर के खत्म के बाद 12 रन पर रन संख्या जब ऊंची देखिए मैदान के अंदर 28 रनों का टारगेट सेट कर रहा है। 18 के दंगे 28 रन बनाने ही एक ओवर के खत्म के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन पर जा रही है। देखिए गेंदबाजी मार्ग पर देखिए अनुभव का भंडार रन संख्या को मिलाकर जब ऊंचे देखे 12 रनों पर एक ओवर के खत्म के बाद देखिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इस्माइल भाई कादरी को देख रहे हैं। जरा अनुभवी चा भंडारा बंटा तज गोलंदाजी मार कर अपन बात गोलंदाजी कर जाना देखने वाले बात है। देखिए अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर एक्सपीरियंस पूरी तरह से झोंकने वाले थे कि फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी सर्कल के अंदर बाहर रख रहे हैं। लॉक ऑन लॉकअप की तरफ खिलाड़ी है देखिए पूरी तरह से इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी रखा है। थर्ड मैन ना फाइट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी रखा है। इस बार मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर आने वाला है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ 80 फीट से लेकर रखी हुई थी। गेंदबाजी के लिए इस्माइल गेंदबाजी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं असगनी मेटा प्रीमियर लीग 2023 सीजन 4 देख रहे हैं और आखिरी मुका आखिरी दिन है और आखिरी दिन के अंदर ग्रैंड फिनाले का मुकाबला देखने मिलने वाला है। अपन पाते मित्रों मान अनि सन्मानाची स्पर्धा पाते लाख मोलाची स्पर्धा पाते आज या ऐतिहासिक मैदान टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से ये पूरा पोर्शन इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ कंट्री हो सऊदी हो कतर हो दुबई हो शारजा हो ओमान हो सब जहां पर दिखने वाला। इस बार उड़ाया लत के मैदान के अंदर पूरी तरह से इस बार लपेटा है गेंद निकल रही है सीमा रेशा पार। सक्सेसफुल मैदान के अंदर बन रहे हैं अगले के 10-12 कदमों के साथ इस्माइल इस बार उड़ाना चाहते थे फिर से एक बार देखे बिनती के थे एक तेरी तो एक मेरी तू सेरे तो भाई सोमवा सेरू देखिए विवेक के लिए इनाम है 200 रुपए का इनाम है। सोपवान मोहिते की तरफ से जो टीम के ओनर है मुझे लग रहा है उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है छक्के के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करे मैदान के अंदर देखे बल्लेबाज विवेक अगली गेंद फाइन की दिशा में गेंद इस बार ट्रैवल हो रही है गेंद के नीचे फील्डर है लेकिन गेंद सीमा रेखा के तरफ ट्रैवल होने वाली अच्छी फील्ड कुछ रन बचाई अपनी टीम के लिए। 2 रन मिलने वाली है 2 रन के साथ लगातार रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलकर जाने वाली इस बार 20 रनों पर देखिए फिर से एक बार एक ही कैदी बना हो इस मैच के लिए देखिए 20 रन हो चुके हैं 8 रनों की जरूरत है। रात्र नहीं स्वप्न बदलते दीवाना ही वाद बदल दे अरे नेहमी जिंकायची आशा असावी कारण नशीब बदलना बदलो मित्रांनो वेल नक्कीच बदलते टाइम बदलने वाला है। लड़ना बहुत जरूरी है लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे तब जाकर इस मैदान के अंदर और इस टूर्नामेंट के अंदर आप बने रह सकते हैं। फिर से एक बार बहुत मजा नहीं पड़ा इस मैच के अंदर दोपहर का सत्र है दोपहर के सत्र के अंदर अगली गेंद ओहो इस बार अच्छी गेंद शॉट गेंद शॉट गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन गेंदबाजी के लिए एक्सपीरियंस गेंदबाज लेजेंड खिलाड़ी इस्माइल भाई कादरी को देख रहे हैं। लगातार लाजवाब गेंदबाजी कर रहे मैदान के अंदर अनुभवी चा भंडार गोलंदाजी मार कवर अपन पाहतो मित्रों काय गोलंदाजी पाहिला होता अचूक मारा ओहो इस बार उड़ाया है गेंद के नीचे फील्डर आने वाले देखने वाली बात है
इस बार वन बाउंस गेंद के तरह इसी बार की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है। एक रन और सरी के साथ दूसरा रन भी मिलने वाला है। देखिए दो रन के साथ इस बार रन संख्या भी बहुत रही हुई, रन संख्या को मिलाकर ड्रॉप होने वाली है दो ओवर के खत्म के बाद। 23 रन बनने वाला छह गेंदों के अंदर 5 रनों का समीकरण बनने वाला है। मसूद ठाकुर तुम्हारा विनंती है कॉमेंट्री बॉक्स में दिया जाए। लेकिन फिर से एक बार फकीर और विवेक की मुझे लग रहा है मीटिंग हुई, उसके बाद पूरी तरह से इस बार मैच के अंदर कमबैक किया और तीसरी मैच के अंदर बनी रही है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला है, एक रन मिलने में लगे और एक रन के 17 रन संख्या कुल मिलाकर जाने बनी है 24 रन पर। एमके माशाल्लाह ने टॉस जीता है, टॉस जीतने के साथ पहले गेंदबाजी का फैसला पहले गेंदबाजी करने वाले है। मिकी माउस बाहर आना है, सीमा रेखा के बाहर एंटरटेनमेंट करना है मिकी माउस। अहो अच्छी गेंद, इस बार गेंद देखे तरह से सीधा कीपर के दस्तान में, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर देख रहे हैं, लॉन्च अप राइट हैंड और द विकेट के साथ देखिए चार गेंदों के अंदर 4 रनों का समीकरण बनने वाला है मैदान के अंदर। फील्डिंग की बात की जाए, मिड विकेट मिड ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी रखा है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी है, पॉइंट थर्ड मैन की तरफ बना, इस बार फाइंड की तरफ खिलाड़ी रखा है। अगले गेंद 10-12 कदम के साथ फुल टॉस गेंद को इस बार भेजा है, गेंद निकल रही है दोनों के बीच से, एक तरफ सलमान दूसरी तरफ शाहरुख, बीच में से कुत्ती दिन का फरार, चौकार मिले के चार तो बेड़ा होगा पार।